हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमन चौहान और मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि भुजंगासन कब और किनको और कितने दिन करना चाहिए। देखिए, जब लोगों को कमर में दर्द होता है, स्लिप डिस्क होती है या फिर शियाटिका बन जाती है, उनकी जो स्लिप डिस्क हुई, लेग में उनकी पेन जाने लगा है, यानी कि उनको शियाटिका हो गया है, तो कुछ लोग इस चीज़ में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्या उनको भुजंगासन करना चाहिए। और कई लोग जिनकी MRI जिन्होंने कराई होती है, तो उनके MRI में लिखा होता है डिस्क बल, डिस्क प्रोट्रूजन, डिस्क एक्सट्रूजन, तो उसको देख के पढ़ के वो सिर्फ समझते हैं कि हमारी स्लिप डिस्क हुई है और भुजंगासन करने लगते हैं। इस हालत में जब वो भुजंगासन करते हैं, ये बिना जाने कि उनकी प्रॉब्लम और क्या क्या है, तो उनकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है, कमर दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है, उनकी प्रॉब्लम जो है और ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो इसलिए बिना सोचे समझे और बिना ये तय किए कि आखिर आपकी प्रॉब्लम कितने दिन पहली है या अभी की है या आपको रियल प्रॉब्लम है क्या, तो आपको भुजंगासन नहीं करना है। तो आप जानते हैं किनको और कब तक भुजंगासन करना है। जब हमारी स्लिप डिस्क होती है तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारी स्लिप डिस्क है, क्या वो एक्यूट स्लिप डिस्क है या फिर क्रॉनिक हो चुकी है। तो किस सिचुएशन में आपको भुजंगासन करना है। जब हमारी स्लिप डिस्क होती है तो उसके कुछ सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स के बेस पे आप तय करेंगे कि आपकी स्लिप डिस्क एक्यूट है या फिर क्रॉनिक हो चुकी है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हमारी स्लिप डिस्क होती है तो उसके दौरान हमारी जो ये शियाटिक नर्व होती है, हमारी कमर के पीछे यहाँ पे शियाटिक नर्व यहाँ से होती है, हमारे बटक के पीछे दो नर्व में डिवाइड हो जाती है और ये हमारी लेग तक पीछे तक जाती है। तो स्लिप डिस्क के दौरान होता क्या है, ये बिल्कुल नहीं है कि हर बारी वो नर्व को प्रेस करेगी। कई बार सिर्फ हमारी बैक में ही पेन रहता है और वो भी भयंकर पेन होता है, लेकिन बहुत सारे सिचुएशन में ये पेन होता वो हमारे बटक से होता हुआ लेग तक जाता है। तो ये नर्व जो लेग तक जा रही है तो इसमें पेन जाता है, ये शियाटिक नर्व होती है, इसलिए इसको शियाटिका बोल देते हैं। इसके मेन जो रीजन है, वैसे वो चार है जो मैक्सिमम लोगों में मिलते हैं। नंबर वन है स्लिप डिस्क, जैसे कि ये मैंने अभी बताई है, वो कम उम्र में भी हो सकती है, ज़्यादा उम्र में भी हो सकती है। दूसरी चीज़ है कनाल स्टेनोसिस। जब प्रॉब्लम हमारी क्रॉनिक हो जाती है और इसकी कोई हिस्ट्री नहीं होती, कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि अगर उनसे पूछा जाएगा कि आपका जो शियाटिका है, कमर दर्द शुरू हुआ है, वो कब से शुरू हुआ है, तो बोलेंगे कुछ साल से शुरू हुआ है, पहले थोड़ा दर्द था अब ज़्यादा हो गया, वैसे तो हमें कोई इंजरी नहीं हुई है या फिर कोई सामान हमने ऐसा उठाया नहीं। उनके याद नहीं होता कि कब से शुरुआत हुई है, इस सिचुएशन में कनाल स्टेनोसिस होता है। नंबर थ्री है फेसर जॉइंट आर्थ्रोपैथी। जब ये बढ़ती उम्र में ज़्यादातर देखने को मिलता है, जब हमारे फेसर जॉइंट होते हैं जो कि हमारी स्पाइन के पीछे होते हैं और पिलर की तरह होते हैं, डिस्क होती है वो पतली होनी शुरू हो जाती है और उसकी वजह से वर्टिब्रा के बीच जो गैप होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से जो फेसर जॉइंट पीछे होते हैं तो उनके बीच स्पेस कम हो जाता है, वो रगड़ खाने लगते हैं, और जो कि फोरामेन स्पेस होता है, जैसे कि दो वर्टिब्रा होते हैं, इनके पीछे एक फोरामेन होता है, एक इस साइड यानी कि कनाल होती है जिससे हमारी साइड में नर्व निकलती है, ऐसे साइड में नर्व निकलती है और एक मोटी नर्व जो होती है वो स्पाइन के बिल्कुल पीछे से बीच में से होकर जाती है और जो बाकी नर्व होती है उसकी साइड में से भी निकलती है। जो साइड में से जो नर्व निकलती है तो उस एरिया को फोरामेन कहते हैं। तो ये जब भी फेसर जॉइंट आपस में रगड़ खाते हैं, वर्टिब्रा के बीच गैप कम हो जाता है डिस्क पतली होने की वजह से, तो जो वहाँ पे नर्व पड़ी होती है तो वो प्रेस होने लगती है, तो उसको कहते हैं फेसर जॉइंट आर्थ्रोपैथी। कई बार बढ़ती उम्र में ये फेसर जॉइंट जब रगड़ खाने लगते हैं तो उनसे बोनी मार्जिन भी निकल जाते हैं, इसको कहते हैं ऑस्टियोफाइट्स होना। चौथी जो कंडीशन होती है जिसमें शियाटिका होती है वो है पिरिफोर्मिस मसल्स की वजह से। जो हमारे पिरिफोर्मिस मसल बटक एरिया में होते हैं, जहाँ हमारी पॉकेट होती है, तो वहाँ पे जब ये मसल जो टाइट हो जाता है हमारे गलत तरीके के बैठने की वजह से, तो उसकी वजह से भी हमारी शियाटिका जो नर्व होती है वो प्रेस हो जाती है और शियाटिका बन जाता है। तो ये चार कारण है जो मैक्सिमम लोगों में पाए जाते हैं। इनके लिए मैंने वीडियो भी बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके नीचे मिल जाएगा, तो वो वीडियो जरूर देख ले, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको किस टाइप की शियाटिका है। अब बात करते हैं आपको भुजंगासन कब और कितने दिन तक कर रहा है। देखिए फ्रेंड्स, एक्यूट स्लिप डिस्क जो होती है, यानी कि अभी अभी जो स्लिप डिस्क हुई है, आपको उसको सिम्टम नजर आएंगे। एक तो उसकी हिस्ट्री रहेगी, नंबर वन बात तो ये है कि जैसे ही आप, जैसे कुछ लोग जिम में जाते हैं एकदम से वो भारी वेट लिफ्ट करते हैं जिम के दौरान, तो मैक्सिमम लड़कों को जैसे कम उम्र में जो होते हैं तो वो जिम के दौरान हो जाती है, उन्होंने एकदम से उठाया और उनको जर्क लगा, कट की आवाज़ आती है कमर से उनकी और वो वहीं पे एकदम ऐसे के ऐसे ही रुके रह जाते हैं, उनको सीवियर पेन आ जाता है। उसके बाद एकदम
उनको रेस्ट करना ही होता है क्योंकि ना उनसे उठा जाता है, जब वो बेड पे होते हैं रेस्ट कर रहे होते हैं उस दौरान उनको करवट लेने में भी दिक्कत होती है, इतना सीवियर पेन होता है स्लिप डिस्क का। और अगर स्लिप डिस्क इतनी ज़्यादा हो एकदम तो ये क्या करती है, नर्व को प्रेस करती है। ऐसा नहीं होता कि हर बार ही नर्व को प्रेस करे, क्योंकि जो हमारी नर्व होती है स्पाइन के पीछे जो नर्व होती है जिसे कनाल मैंने बताया था, तो ये तीन चार नर्व इसके बीच से होकर निकलती है जिसको शियाटिक नर्व बोलते हैं, इकट्ठी होकर शियाटिक नर्व बनती है। तो इसके अराउंड एक थैकल सैक होता है जो कि उन नर्व को सेफ करके रखता है। तो ये थैकल सैक को पिंच करती है, जैसे ये बोल सकते हैं कि खरोच मारती है उसके ऊपर जाके, जैसे स्लिप डिस्क हुई तो उसको जाके खरोच मारेगी, तो इस वजह से पेन आएगा ओनली कमर में। लेकिन कई बार स्लिप डिस्क जो है इतनी ज़्यादा एकदम से बाहर निकलती है कि वो सीधा नर्व को प्रेस कर देती है, तो आपकी लेग में पेन जाता है उसी टाइम। दूसरा सिम्टम जो है, जैसे आप लेटे हो आप सो जाते हो उस दौरान में, जैसे आपकी स्लिप डिस्क निकली, आपने कोई वेट लिफ्ट करा था तो आप सोते हो, लेकिन 3-4 बजे के टाइम सुबह के टाइम आपकी एकदम आँख खुलती है, बहुत सीवियर पेन होता है। वो इसलिए पेन होता है क्योंकि जो आपकी स्लिप डिस्क निकली हुई है उस टाइम पे डिस्क जो है वो लिक्विड सोखती है, तो जैसे ही आपकी जो डिस्क निकली हुई थी उसके अंदर लिक्विड जाएगा वो और ज़्यादा मोटी होगी और आपको सीवियर पेन होगा, आपकी नर्व को और ज़्यादा प्रेस करेगी तो आपकी आँख एकदम से खुल जाएगी। तो ये एक सिम्टम्स हुआ। और तीसरा सिम्टम्स जो है, जब आप आगे की तरफ झुकोगे तो आपका पेन होगा और जब आप पीछे की तरफ जाओगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। ये 3-4 सिम्टम्स ऐसे हैं जो आपको बता दें कि आपकी एक्यूट स्लिप डिस्क है। अगर आपको ये सिम्टम्स नहीं आ रहे, आप कहते हो नहीं तो लेटने मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होती, बस चलने में मुझे पेन आता है, तो इसका मतलब ये आपकी एक्यूट नहीं, ये आपकी स्लिप डिस्क थी वो पुरानी हो चुकी है। तो अब जानते हैं भुजंगासन किसको करना चाहिए और कब करना है। जब आपकी स्लिप डिस्क एक्यूट हो, अभी अभी हुई है 3-4 दिन पहले, तो रेस्ट करना है आपको कई बार, 2-3 बार दिन में भुजंगासन करना है। लेकिन शुरू में कैसे करना है, कैसे शुरुआत करनी है, आइए जानते हैं। शुरू में जब आपकी स्लिप डिस्क होती है, अभी अभी आपकी स्लिप डिस्क हुई है, तो आप रेस्ट तो वैसे भी कर रहे होते हैं, तो आप मैक्सिमम जैसे दिन में 2-3 बार आप इस तरीके से लेटे, आपकी जो डिस्क निकली है वो धीरे धीरे करके वापस जाना शुरू कर देती है, जितना टाइम में आप लेट सकते हैं इतना लेटे। अब आपको जैसे आप नॉर्मल हो, इसमें आपको पेन नहीं हो रहा, तो फिर आपने 1 या 2 दिन बाद इस तरीके से करना शुरू करना है। अब देखिए, अब अगर आपको इस सिचुएशन में भी मतलब रिलीफ मिल रहा है, देखिए पेन तो आएगा ही क्योंकि आपकी डिस्क निकली हुई है, लेकिन आपको रिलीफ मिलता है यहाँ पे आके, आपको अच्छा लग रहा है, तो अब आपने धीरे धीरे करके 2-3 बार ऐसे ही करा दिन में, इस तरीके से आप बैठे 10-15 मिनट के लिए, इस तरीके से आप लेट रहे, फिर आपने धीरे धीरे अगले दिन से क्या करना है कि इस पिल्लो को भी हटा देना है, और हटाने के बाद आपने ऐसे करके ऐसे जाना है धीरे धीरे, ऐसे आप पूरा ऐसे जाएंगे और फिर वापस आएंगे, फिर ऐसे जाएंगे और कुछ देर के लिए ऐसे रुकेंगे और फिर वापस आएंगे। अब आपने ये देखना है, एक होता है सेंट्रलाइजेशन, एक होता है पेरिफ्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है, अगर आपका पेन मतलब अभी आपका पेन पूरा यहाँ तक जा रहा था, लेग तक जा रहा था, लेकिन जब आपने ऐसे किया तो अब आपका पेन वापस आना शुरू हो गया है, मतलब यहाँ से आपको रिलीफ मिल रहा है, यहाँ से भी रिलीफ मिल रहा है, यानी अब वापस आ रहा है, आपको ऐसे फील हो रहा है, यानी कि आप सही एक्सरसाइज कर रहे हो और आप सही दिशा में जा रहे हो। लेकिन एक होता है प्रीफ्रलाइजेशन, अगर आप ऐसे कर रहे हो, ऐसे करते हो, शुरू में ही आपने ऐसे किया लेकिन आपका जो पेन था वो यहाँ से वापस जाने लगा है, तो इसका मतलब अभी आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। फिर आपने क्या करना है, एक पिलो लेना है इस तरीके से और पेट के नीचे रखना है और ऐसे लेटना है, ऐसे लेटना है 3-4 बार 1 या 2 दिन मतलब मैक्सिमम ऐसे ही आपने लेटना। और अगर आप चाहते हो कि अभी भी आपको रिलीफ नहीं आया तो एक पिल्लो आप यहाँ पर और रख सकते हो और इस तरीके से लेट रहे। अब इस सिचुएशन में आपकी जो डिस्क निकली है वो धीरे धीरे वापस जानी शुरू हो जाएगी, लेकिन इस पोजीशन में आपको कुछ टाइम के लिए लेटना है, जैसे 15 मिनट 20 मिनट इस तरीके से, और दिन में 2-3 बार करें मैक्सिमम टाइम करें। अब आपको आराम आना शुरू हो जाएगा, अब आपको लगेगा पेन में रिलीफ आ रहा है, फिर इसको निकालना है, मतलब ये स्टेप वाइज आपने करते जाना है और करते करते आपने भुजंगासन पे आ जाना है। आप पिल्लो को यहाँ पे रखना है, अब फिर इस तरह से करना है, फिर 3-4 बार आपने ऐसे किया, फिर इसको भी हटा देना है, फिर आपने धीरे धीरे इतना करना है, मतलब ऐसे करते करते आपने ये देखते जाना है कि भाई मुझे
किस तरीके से रिलीफ आता जा रहा है, स्टेप वाइज आपने धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है और फिर 4 या 5 दिन बाद आपने भुजंगासन शुरू कर देना है। तो जब आप पूरा भुजंगासन करने लग जाएंगे और आपको आराम आना शुरू हो जाएगा, फिर आप खड़े होंगे और जो अगला स्टेप है वो आप इस तरीके से करेंगे। ऐसे यहाँ पे हाथ रखेंगे और इस तरीके से हल्का हल्का धीरे धीरे पीछे को जाएंगे और ऐसे वापस आएंगे। एकदम से ऐसे नहीं जाना है, बिल्कुल धीरे से ऐसे करना है और ऐसे जाना है। अगर इस सिचुएशन में आपका पेन बढ़ता है फिर आप लेट के ही करेंगे, क्योंकि अगर आपका पेन बढ़ रहा है तो यानी कि आपकी जो स्लिप डिस्क है वो सही तरीके से अंदर नहीं गई। आपको दोबारा से वो स्टेप करने हैं जो मैंने अभी बताए हैं। तो इस तरीके से आप करेंगे। और कितने टाइम तक करनी है ये? सिर्फ 2 वीक तक आपने करनी है, 2 हफ्ते तक करनी है। अगर आपकी स्लिप डिस्क को 3 हफ्ते या इससे ज़्यादा टाइम हो जाता है तो फिर वो ताजी नहीं होती, एक्यूट नहीं होती, फिर वो पुरानी हो जाती है, फिर उसको क्रॉनिक बोलते हैं, यानी कि वो सूखनी शुरू हो जाती है। फिर उसके लिए अगर आप भुजंगासन करते रहेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। जब वो सूख गई है तो अंदर तो जाएगी नहीं, तो वहीं लटकी रहेगी। तो इसलिए भुजंगासन करने का कोई फायदा नहीं, उससे आपका पेन और बढ़ेगा बल्कि कम नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि आपको भुजंगासन स्लिप डिस्क में कब करना है और कब ये जानना है कि आपकी स्लिप डिस्क अभी ताजी है, एक्यूट है, या कब पुरानी हो जाती है या फिर क्रॉनिक हो जाती है। तो आप इससे बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। और बहुत से लोग जिनको कनाल स्टेनोसिस फेसर जॉइंट भी लिखा आता है तो उनको भुजंगासन बिल्कुल नहीं करना है। उनके लिए इससे अगली वीडियो में एक्सरसाइज बताऊंगी कि जिनको 3 हफ्ते या उससे ज़्यादा की स्लिप डिस्क हो चुकी है तो उसके बाद उनको कौन सी एक्सरसाइज करनी है। अगर उनको भुजंगासन नहीं करना है तो कौन सी एक्सरसाइज करनी है, या फिर भुजंगासन करना है तो उसके साथ में कौन सी एक्सरसाइज करनी है, तो इससे अगली वीडियो को भी देखना ना भूले। आज बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को भी दबा दो। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।